बोलो बॉलीवुड बाबा की जय। नमस्कार, लो फिर आ गया शुक्रवार और हम बॉलीवुड बाबा लेकर आए हैं रिलीज हुई फिल्मों पर अपने विचार। भाई, क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई दो फिल्में, रोहित शेट्टी की दिलवाले और संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी, और इसी त्योहार के रंग में हमने भी रंगने की ठानी। तो पहले दिलवाले, ये एक टिपिकल रोहित शेट्टी ब्रांड की फिल्म है, परंतु सवाल ये उठता है कि रोहित अगर अपने एक ही तरह के ब्रांड का बैंड बार बार बजाएगा तो क्या ऑडियंस को मजा आएगा? क्यों? भाई मुझे तो नहीं आया, क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं था। एक सबसे अजीब बात ये कि अभिनय में वरुण धवन की खराब कॉमिक टाइमिंग ने जैसे रुलाया, तो शाहरुख खान और काजोल की सीरियस लव स्टोरी ने फंसाया। जॉनी लीवर के कॉमेडी का वही पुराना टेस्ट था, तो बमन ईरानी इस फिल्म में टोटल वेस्ट था। बस यदि किसी एक्टर ने बीच बीच में आकर राहत की सांस और खुशी का ठाहस दिखाया तो वो था संजय मिश्रा। प्रीतम का संगीत अच्छा था, रोहित ने एक्शन सीक्वेंस भी अच्छी तरह से दर्शाए, और पूरी फिल्म में संतुलित रहने वाले शाहरुख फिल्म के आखिरी 15 मिनटों में वही हैम करते नजर आए। ये फिल्म यदि आप किसी सस्ते सिंगल थिएटर में देखेंगे तो शायद आपको मजा आ भी सकता है। जो जन इस फिल्म को पूरी देखकर बाहर आएगा वो मेरी नजर में असली दिलवाले कहलाएगा। अभी तो इस फिल्म को मेरी अंक तालिका में मिलते हैं 5 में से केवल 2 अंक, यानी मेरे प्रसाद से वंचित। और यदि इसी प्रकार सुनने हो बाजीराव मस्तानी पर मेरे विचार, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल जिसका नाम है फीवर 104। नमस्कार। हाय, मैं हूं अजय देवगन, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फन। बोलो बॉलीवुड बाबा की जय।